सावधान, मैं बताता हूँ अभी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सबसाहूणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्व धर्मानाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करण बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते वहे अरिहंतादि महान। करी मंगल करी ओ महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले आज सब पावे निज पदेरा। मोच के माँ का प्रकाशन करने वाला ऐसा यह अनुपम एवं अद्भुत ग्रंथ मोच माँ प्रकाशक जी, जिसकी रचयिता आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी हैं, जो कि नौ अधिकारों में निबद्ध है। उसके पहले अधिकार में हमारी चर्चा चल रही है ग्रंथ की प्रामाणिकता पर, कि वास्तव में हम इस ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है। हम पहले किसी भी ग्रंथ को पढ़ें तो हमें उसकी प्रामाणिकता जांचनी चाहिए कि वास्तव में यह ग्रंथ जैन धर्म की कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, कि वास्तव में ये वीतरागता का पोषक है कि नहीं है, क्योंकि वीतरागता का पोषक वही जिनवाणी है। वीतरागता की पोषक की जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। तो हमको सबसे पहले ये परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में ये जो ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ग्रंथ वास्तव में वीतरागता की कसौटी पे खरा उतरता है कि नहीं, ये वीतरागता का पोषण कर रहा है या राग भाव का पोषण कर रहा है, चाहे किसी भी तरह से कराए, है ना। हमको वो चीज़ सही भी लग सकती है, लेकिन उसके थ्रू उसका प्रयोजन यदि राग भाव को पुष्ट करना है तो वो जैन धर्म का ग्रंथ नहीं हो सकता। जैसे अन्य मतों में हम बात करें, जैसे भागवत गीता है, है ना, उसमें चाहे कुछ बातें सही भी कही हों, उससे आपको कुछ बातें सही भी लग सकती हैं, है ना, कि जैसे जीव मरता नहीं है, जीव का जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो सही भी हों उसमें, तो उससे हमको ऐसा लग सकता है कि ये ग्रंथ तो सही है। लेकिन वास्तव में यदि हम उस ग्रंथ का प्रयोजन देखें तो ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, राग भाव को पुष्ट करना, है ना, कि किसी को युद्ध के लिए तैयार करना, या एक संसार में ही किसी तरह से बढ़ाना संसार को, उसका एकमात्र प्रयोजन यही है। तो वो ग्रंथ जैन धर्म का सच्चा ग्रंथ नहीं हो सकता। ऐसे शतांबर मत की हमने कल बात की थी, तो उसमें भी वो चीज़ हमको लग सकती है कि वे जीवों की दया पालने की बात की जा रही है, तो ये बात सही है, लेकिन उसके फलस्वरूप वो उस राग भाव को पुष्ट करने की बात की जा रही है, तो वो ग्रंथ सही नहीं हो सकता। आजकल हम तो बस जैन के नाम पे कोई भी ग्रंथ पढ़ने बैठ जाते हैं, उस ग्रंथ की परीक्षा नहीं करते, जबकि वास्तव में हमको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, चाहे हम कोई छोटा सा ग्रंथ पढ़ें, चाहे छोटी सी बुक पढ़ें किसी की लिखी हुई, या कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ें, तो पहले उसकी प्रामाणिकता जाँचनी चाहिए कि वास्तव में ये ग्रंथ प्रामाणिक है कि नहीं है। तो पंडित टोडामल जी इस ग्रंथ को आगे बढ़ाने से पहले बता रहे हैं कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता कैसे है, ये ग्रंथ प्रामाणिक है या नहीं है, तो उस पर हमारी बात चल रही है। उसमें पहले पंडित टोडामल जी ने आगम परंपरा के आधार पे और फिर अपनी बात कही, और फिर उसके बाद असत्य पद की रचना कैसे नहीं हुई वो बात कही। उसमें पंडित जी ने एक बात तो ये कही कि तीव्र कसाई व्यक्ति हो वही असत्यार्थ पदों की रचना कर सकता है,
जैन धर्म में ऐसा कसाईवान होता नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यदि कोई जैनावास व्यक्ति है वो तीव्र कसाई होके असत्यात पदों की रचना करे तो उसकी परंपरा चलेगी कि नहीं, कि नहीं चलेगी, क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो उससे परीक्षा करके ठगाएगा नहीं और परीक्षा करके औरों को ही बताएगा कि ये चीज़ गलत है ना, तो उस परंपरा को चलने नहीं देगा। पहली बात तो ठगाएगा ही नहीं जो व्यक्ति जैन होगा वास्तव में, जिसने जैन धर्म को समझा होगा। हाँ, किसका निषेध करता है? निषेध का तो मना करना होता है, मतलब निषेध का मतलब होता है कि ये चीज़ गलत है। जैसे कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका निषेध करना, मीन ये बोलना कि ये चीज़ गलत है, उस चीज़ को नकारना, एक तरह से ये बोल सकते हैं उस चीज़ को नकारना, उसका निषेध करना कि ये चीज़ गलत है ऐसा बताना, वो है उस वस्तु का निषेध करना। तो जो ज्ञानी होगा वो उस परंपरा को चलने नहीं देगा और असत्यात पदों का निषेध करेगा। उसके बाद पंडित जी ने बताया था कि ऐसे तीव्र कसाई व्यक्ति निकृष्ट काल में ही होते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, वहाँ पर ऐसे तीव्र कसाई जैनावास व्यक्ति नहीं पाए जाते, इसीलिए ये असत्यात पदों की परंपरा नहीं चलती। उसके बाद फिर शंका आई थी कि तीव्र कसाय बस तो कोई असत्यात पदों को नहीं मिलाई, हमने मान लिया कि असत्यात पदों की रचना तीव्र कसाय के बस ही हो सकती है। अब जो व्यक्ति कसाय से तो असत्यात पद ना मिलाए, लेकिन जो ग्रंथ करने वाले हैं, ग्रंथ लिखने वाले हैं, वो छोसम ज्ञान के धारी हैं, तो इसलिए उनके ज्ञान में यदि किसी पद का अर्थ अन्यथा भाषित हो गया हो और उस असत्यात पद को ग्रंथ में मिला दिया गया हो तो उसकी परंपरा तो चलेगी, उसको हम कैसे माने कि परंपरा नहीं चलेगी। तो उस पर मैंने विचार करने को बोला था, आपने क्या सोचा? देखो आपको ही पता है कि जो प्रश्न उठाया उसका समाधान आगे है, तो उसको मैं इसलिए बोलता हूँ कि उसको आप पढ़ के आए पहले से तो ज़्यादा अच्छा रहे, है ना, कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं है फिर सोचना, इसका उत्तर दिया हुआ है आगे, आपको ही पता है उत्तर दिया हुआ है आगे। वो तो आगम परंपरा में, वो तो आगम परंपरा में आ गया सारा। उन्होंने और क्या बताया आगे? चलो मैं बताता हूँ। देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं कि मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर देव हैं, कि किसी भी ग्रंथ के मूल कर्ता की बात की जाए तो मूल कर्ता है तो तीर्थंकर देव हैं, गणधर देव हैं, है ना। यदि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कहीं पर भी कि इस ग्रंथ के मूलकर्ता पंडित टोडामल जी हैं, तो कथन गलत होगा, क्योंकि ग्रंथ के मूलकर्ता पंडित टोडामल जी नहीं हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के मूलकर्ता पंडित टोडामल जी नहीं हैं, है ना। हाँ, क्योंकि कभी भी मूलकर्ता जो है या तो तीर्थंकर देव हैं या गणधर देव हैं। मूलकर्ता में जो रचयिता हैं, यदि समय साह की बात भी की जाए तो समय साह ग्रंथ के भी मूलकर्ता गणधर देव हैं या तीर्थंकर देव हैं। मूलकर्ता की बात की जाए तो मूलकर्ता कौन है? कहीं पर भी मूलकर्ता की बात की जाए तो मूलकर्ता में या तो तीर्थंकर देव आएंगे या गणधर देव आएंगे। तो पंडित जी भाई कह रहे हैं कि मूल ग्रंथ कर्ता तो गणधर देव हैं, वे स्वयं चार ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य धनी उपदेश सुनते हैं, उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। कि वास्तव में तो ग्रंथ के तो मूलकर्ता वो गणधर देव हैं, और वो कैसे हैं? चार ज्ञान के धारक हैं। कौन कौन से ज्ञान के धारक हैं वो? कौन कौन से ज्ञान हैं? चार ज्ञान के धारक पूछ रहा हूँ, अनंत चतुष्टय नहीं पूछ रहा हूँ मैं। गणधर देव चार ज्ञान के धारक हैं, चार ज्ञान कौन कौन से हैं? ज्ञान ज्ञान पांच प्रकार का है ना, मति श्रुत अवधि मने पर्य केवल, तो उसमें से केवल ज्ञान नहीं है गणधर देव को अभी, तो चार ज्ञान के धारी हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मने पर्य ज्ञान, उस चार ज्ञान के वो धारी हैं।
उस पद को धारण करते ही उनके चार वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, मने परिय ज्ञान भी अवधि ज्ञान ही प्रकट हो जाता है, नहीं भी हो तो, है ना। जैसे गौतम गंधर्व की बात करें कि पहले तो वो अलग वेश में थे, उस समय उनको मने परिय ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे ही वो समूह शरण में गए और उन्होंने गंधर्व पद को धारण, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करके गंधर्व पद को धारण किया, तो चार ज्ञान के धारी हो गए, उनके वो ज्ञान प्रकट हो गया, इतना छह समय उनको प्रकट हो गया तत्काल ही। हाँ, तो वो गंधर्व देव चार ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं, कि साक्षात केवली भगवान का वो उपदेश सुनते हैं, तो उस अतिशय से, एक तो उस दिव्य ध्वनि का अतिशय है और उनका खुद का क्षयोपशम भी इतना प्रकट हो चुका है कि वो चार ज्ञान के धारी हैं, तो उनका खुद का भी क्षयोपशम इतना प्रकट हो गया है और दिव्य ध्वनि का ऐसा अतिशय है कि उनको सत्यार्थ ही भाषित होता है, किसी का उनको असत्यार्थ भाषित नहीं होता किसी भी पद का, कि वो साक्षात दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं और उनका क्षयोपशम भी बहुत प्रकट हो चुका है, क्योंकि वो निकट काल में केवल ज्ञान भी लेने वाले हैं, उनका क्षयोपशम इतना प्रकट हो चुका है अभी कि वो चार ज्ञान के धारक हैं, है ना। तो साक्षात दिव्य ध्वनि सुनते हैं और चार ज्ञान के धारक हैं, इसीलिए उनको सत्यार्थ पद ही भाषित होते हैं, पदों का सत्य अर्थ ही भाषित होता है और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। जो अंग प्रकीर्णक आदि रचते हैं, कौन रचते हैं अंग प्रकीर्णक? गंधर्व रचते हैं। याद रखना है चीज़ों को, एग्जाम कुछ भी आ सकता है ना, तो है ना। तो अंग प्रकीर्णक आदि जो ग्रंथ बनाते हैं वो गंधर्व देव भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के और अपने क्षयोपशम ज्ञान से जो पदों का उनको सत्यार्थ भाषित हुआ है उसके आधार पर ही बनाते हैं, इसीलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाएं, कि उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पदों के गूंथे जाने की संभावना ही नहीं है, है ना। कि किसी भी एक मतलब 0.1% भी संभावना नहीं है कि उनमें असत्यार्थ पदों को गूंथा गया हो, क्योंकि वो स्वयं चार ज्ञान के धारी हैं और साक्षात केवली भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, इसलिए उनको प्रत्येक पद का सत्य अर्थ ही भाषित होता है और उसी के अनुसार वो ग्रंथ रचते हैं, इसलिए वहाँ तो कोई संभावना नहीं है कि असत्यार पद रचे जाएं। ये किस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है? कि जो ग्रंथ करने वाले हैं वो क्षयोपशम ज्ञान के धारी हैं, तो उनको यदि असत्यार पद भाषित हो जाए तो उसकी परंपरा तो चले। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो क्षयोपशम ज्ञान के धारी हैं, चार ज्ञान के धारी हैं, लेकिन फिर भी वो साक्षात केवली भगवान का दिव्य ध्वनि सुनते हैं, तो उनके सत्यार्थ पद ही सत्यार्थ ही भाषित होता है और उसके अनुसार ग्रंथों में सत्य अर्थ के वाचक पदों को ही गूंथा जाता है, कि वहाँ संभावना ही नहीं है कि असत्यार्थ पदों को गूंथा जाए। तथा जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं, कि गंधर्व देव के अलावा जो अन्य आचार्य आदि हैं वो भी यदि ग्रंथ बनाते हैं, तो एक तो वो जो मूल ग्रंथ हैं, जो गंधर्व देवों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो ग्रंथ रचे हैं, अंग प्रकीर्णक आदि द्वादशांग रचा, जितना भी पूरा श्रुति रचा, उसके आधार पर ही वो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं और वो स्वयं भी सम्यक ज्ञान के धारी हैं, यथार्थ ज्ञान के धारी हैं वो स्वयं। हाँ, कि सम्यक ज्ञान प्रकट है उनको, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट है, तो वो भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं, कि जितना उनको ज्ञान प्रकट है, पूर्ण रूप के ज्ञान प्रकट नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान प्रकट है वो ज्ञान सम्यक रूप से है, इसलिए लिखा कि यथा योग्य, जितना ज्ञान प्रकट है वो ज्ञान सम्यक रूप है। यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं, कि जितनी जितनी जिसकी योग्यता है उसके हिसाब से उसको ज्ञान है, जितना जिसको क्षयोपशम में उतना ज्ञान प्रकट है, लेकिन वो ज्ञान उनका सम्यक रूप है और मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। इसी सारे जो भी ग्रंथ हैं अपने आप, नियम शास्त्र, संसार, समय शास्त्र, ये सब आचार्यों ने आगे बढ़ाया है।
जो अंग प्रकीर्णक भी रचे जाते हैं, जैसे सुतपंच की कथा आती है कि पहले तो वो पूरी जिनवाणी मतलब लिपिबद्ध नहीं थी, तो वो शब्दों से ही पूरी तरह से सबके ज्ञान में थी। उस समय इतना क्षयोपशम था, लेकिन जैसे जैसे क्षयोपशम कम होता गया तो फिर आचार्य देव को जिनवाणी लिपिबद्ध करनी पड़ी कि लोगों का क्षयोपशम इतना कम हो रहा है कि वो याद तो रख ही नहीं पाएंगे। नहीं, उससे पहले तो जो आचार्य परंपरा रही है, जो श्रुत केवली की परंपरा रही है, उस समय तो वो याद शब्दों में ही था, मतलब ज्ञान में ही थी वो जिनवाणी। उस समय ऐसा नहीं लिखी गई हो, वो अंग प्रकीर्णक रचे वो ज्ञान में ही थी, शब्दों में थी वो पूरी, लिखी नहीं थी, वो ज्ञान में ही थी। लेकिन जैसे जैसे क्षयोपशम कम होता गया, उसका ह्रास होता जा रहा था, इसीलिए फिर आचार्य देव का विचार आया कि ये जिनवाणी लिपिबद्ध करें, जिससे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाले जो जीव हैं, वो इसको पढ़ के अपना कल्याण कर सकें, है ना। तो उन्होंने तो रचे थे अंग पेटिया, रचे रचे का मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिपिबद्ध किया था, वो तो जिनवाणी उन्होंने पूरी लिखी, लिखी का मतलब है कि वो ज्ञान में थी, जो अंग प्रकीर्णक रचे ऐसा जो कहा जाता है ना। तो लिपिबद्ध तो श्रुत पंचमी की कथा आती है, उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि लिपिबद्ध कैसे हुई थी जिनवाणी, है ना। तो इसलिए आचार्य आदिक भी जो ग्रंथ बनाते हैं वो सम्यक ज्ञान के धारक हैं, और जो मूल ग्रंथों की परंपरा है उस परंपरा से ही वो ग्रंथ बनाते हैं, इसलिए उन ग्रंथों में भी असत्यार्थ पद नहीं गूंथे जाएंगे, वहां पर भी कोई संभावना नहीं है कि असत्यात पदों को गूंथा जाए। और दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान ना हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। कि एक तो सम्यक ज्ञान के धारक हैं, मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बना रहे हैं, उसके बाद भी जिन पदों का उनको ज्ञान ना हो उन पदों को वो रचते ही नहीं हैं, उन पदों को लिखते ही नहीं हैं वो, और जिन पदों का ज्ञान है उनको सम्यक ज्ञान प्रमाण से, कि सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक करके गूंथते फिर लिखते हैं। जैसे आचार्य भीमसेन स्वामी जिन्होंने दगला की टीका लिखी, वो कहते हैं कि जिसका मुझे ज्ञान नहीं है जिस पद का, उस पद को मैं नहीं लिख सकता, कि जिस पद को जिस सूक्ष्म अर्थ को मैं अपने गुरु से नहीं जान पाया उसको मैं कैसे कह सकता हूँ, है ना। कि इतनी निर्माणता प्रकट करते हैं आचार्य देव कि उनको इतना क्षयोपशम प्रकट है, और इतना क्षयोपशम प्रकट होने के बाद भी आचार्य भीमसेन स्वामी कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म अर्थ मैं अपने गुरु से नहीं जान पाया तो उसको मैं कैसे कह सकता हूँ, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कि मैं नहीं लिख सकता उस चीज़ को, कि जिस पद का मुझे ज्ञान नहीं है और जिसको मैंने गुरु से नहीं जान पाया, किसी अर्थ को मैं सूक्ष्म रूप से नहीं जान पाया गुरु से, तो ऐसे पद की रचना मैं नहीं कर सकता। तो इतनी निर्माणता प्रकट करके आचार्य देव ग्रंथ को लिख रहे हैं, तो वहाँ संभावना ही नहीं है कि असत्यात पदों को लिखा जाए, कि जिसका उनको ज्ञान नहीं है उनको वो रचेंगे नहीं, और जिसका उनको ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक करके गूंथेंगे। तो इसीलिए वहाँ पर भी कोई संभावना नहीं है कि असत्यात पदों को गूंथा जाए। इसीलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं, और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा बस नहीं है, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सभी को तो नहीं। इसीलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते, है ना। देखो इसमें क्या बात आई, स्टार्टिंग से यदि हम एक बार उसको देखें कि जो ग्रंथ रचे जा रहे हैं वो कैसे रचे जा रहे हैं, कि मूल ग्रंथकर्ता तो कौन है, गणधरदेव, वो स्वयं चार ज्ञान के धारी हैं और साथ साथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, तो उससे उनको सत्यार्थ अर्थ ही भाषित होता है, उसी के अनुसार ग्रंथ रचते हैं, इसलिए वहाँ तो संभावना खत्म हो गई असत्यार्थ पदों को रचने की। उसके बाद जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ लिख रहे हैं वो भी सम्यक ज्ञान के धारी हैं, और जो मूल ग्रंथों की परंपरा है उस परंपरा के आधार से ही ग्रंथ रच रहे हैं,
इसीलिए वहाँ भी तो संभावना थी तो वो संभावना भी खत्म हो गई कि वहाँ पर भी कोई संभावना नहीं है कि असत्यार पदों को गूंथा जाए। उसके बाद फिर तीसरी बात ये आई कि आचार्य आदि जो ग्रंथ रच रहे हैं उनको जिस पद का ज्ञान नहीं है उस पद को वो रचते नहीं हैं, और जिस पद का उनको ज्ञान है उसको वो सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक करके ही गूंथेंगे। इसीलिए वहाँ पर भी ऐसी सावधानी में असत्यात पदों की रचना हो ऐसी संभावना नहीं है, तो वहाँ पर भी असत्यात पदों की रचना होने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी। और यदि कदाचित किसी को पूर्व ग्रंथों के पदों का अन्यथा भाषित हो जाए, क्योंकि छवसम ज्ञान के धारी हैं, यदि कदाचित कभी हमेशा नहीं होता, कदाचित का अर्थ कभी हुआ और किसी को हुआ, कदाचित होता है, तो किसी को यदि पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा भाषित हो जाए है ना, और जो सम्यक ज्ञान प्रमाण से गूंथ रहे हैं, सम्यक ज्ञान प्रमाण में ठीक करके गूंथ रहे हैं, उस प्रमाणता में भी ऐसा ही आ जाए कि इस पद का यही अर्थ है, उनको छवसम ज्ञान से किसी पद का अर्थ अन्यथा भाषित हो गया, और उनकी प्रमाणता में भी ऐसा ही आ गया कि इस पद का अर्थ यही है, तो उनका सारा बस नहीं चलता कि छवसम ज्ञान के धारी हैं। यदि ऐसा आ जाए तो क्या होगा, वो आगे आएगा। तो यदि ऐसा आ जाए तो उनका कुछ बस नहीं चलता क्योंकि छवसम ज्ञान के धारी हैं, लेकिन ऐसा हर किसी को नहीं होता और हर समय नहीं होता, कदाचित होता है और किसी को होता है, तो ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सबको नहीं। इसीलिए जिनको सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते। देखो पहली बात तो उनको सम्यक ज्ञान है, वो मूल ग्रंथों की परंपरा से गूंथ रहे हैं तो असत्या नहीं गूंथेंगे, और जिस पद का उनको ज्ञान नहीं होता उसको वो लिखते नहीं है, और जिसका उनको ज्ञान होता है उसको वो सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक करके गूंथते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन उनको यदि किसी पद का अर्थ अन्यथा भाषित हो गया और उनकी प्रमाणता में भी ऐसा ही आ गया, उन्होंने सम्यक ज्ञान प्रमाण से जांचा तो उनकी परीक्षा में भी ऐसा ही आ गया कि इस पद का यही अर्थ है, तो उनका कोई बस नहीं चलता क्योंकि छवसम ज्ञान के धारी हैं, लिखेंगे वो उसको है ना, उसको लिखेंगे, ऐसा नहीं भाई वो सम्यक ज्ञान प्रमाण से गूंथ के लिख रहे हैं, अब उनको अर्थ भी ऐसा ही भाषित हुआ और उनके सम्यक ज्ञान प्रमाण में भी ऐसा ही अर्थ आया तो उसको वो लिखेंगे तो सही, इसी लिखा कि उनका बस नहीं चलता। लेकिन ऐसा कभी और किसी को ही होता है, हर किसी को नहीं होता और हर समय नहीं होता, तो जिसको सत्यार्थ अर्थ भाषित होगा वो उसका निषेध करके परंपरा को नहीं चलने देंगे, इसलिए असत्यार्थ पदों की परंपरा चलेगी ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सभी को तो नहीं। इसीलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते है ना, जैसे पहले लिखा था कि जैनावास तीव्र कसाई लिखेगा तो क्या होगा, तो परंपरा कैसे नहीं चलेगी कि वहाँ पर भी जो ज्ञानी होगा वो परीक्षा की कसौटी पे उसको खड़ा उतारेगा, और जब परीक्षा की कसौटी पे वो आएगा कि ये असत्यार्थ है तो उसका निषेध कर देगा, तो परंपरा नहीं चलेगी। और यहाँ पर तीव्र कसाई से नहीं लिखा लेकिन उनके छवसम ज्ञान में ऐसा आ गया और उन्होंने वो लिख दिया, तो हर कोई नहीं लिखेगा, हर किसी को ऐसा भाषित नहीं होगा, तो जो जिनको सत्यार्थ भाषित हुआ है ऐसे ज्ञानी उसका निषेध करके उस परंपरा को नहीं चलने देंगे। इसका अभी आगे है ना, गवर्नमेंट शाह का एग्जाम्पल आएगा उससे ये बात क्लियर हो जाएगी, और अभी आगे आने वाला है। अरे उनको पदकार्थ अन्यथा भाषित हुआ है, उस पदकार्थ ऐसा है नहीं, लेकिन उनको ऐसा भाषित हो गया, छवसम ज्ञान है, केवल ज्ञान तो है नहीं उनको, जो हर चीज यथार्थ रूप से भाषित हो जाए, छवसम ज्ञान में कभी किसी पदकार्थ अन्यथा भाषित हो गया, अन्यथा भाषित हुआ है, सत्यार्थ भाषित नहीं हुआ है, उसकी बात हो रही है कि जिससे पदकार्थ अन्यथा भाषित हो गया और उनके सम्यक ज्ञान प्रमाण में भी वही अर्थ आया कि इसका अर्थ यही है ना, लेकिन वो कौन सा शब्द हो सकता है जिसका अर्थ उनको ऐसा भाषित हो, वो भी आगे आएगा।
पुनच्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव अजीव आदि तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है कि जिनको जान अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो जाए, ऐसे तो देव गुरु धर्म है, छह द्रव्य, सात तत्व, निमित्त उपादान आदि जो वस्तु स्वरूप है वास्तव में, उसको तो श्रद्धानी जैनी है वो भी अन्यथा नहीं जानता। जो चतुर्थ गुणस्थान बढ़ती है उसको वो भी देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को अन्यथा नहीं जानता, छह द्रव्यों के स्वरूप को, सात तत्वों के स्वरूप को, वस्तु के स्वरूप को अन्यथा नहीं जानता, जैसा है वैसा ही जानता है। तो जो श्रद्धानी जैनी ग्रस्त श्रावक के अन्यथा नहीं जानता, तो वो आचार्य आदि को अन्यथा भाषित हो ऐसा संभव नहीं है, है ना। किस पद का अन्यथा भाषित होगा वो आगे आएगा, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि जिसको जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे शब्दों को तो श्रद्धानी जैनी भी अन्यथा नहीं जानता, कि उसको भी देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा है, सच्चा स्वरूप उसके ज्ञान में भाषित है, छह द्रव्यों का स्वरूप, सात तत्वों का स्वरूप, वस्तु का यथार्थ स्वरूप उसके ज्ञान में भाषित है, तो उसको तो वो श्रद्धानी जैनी भी अन्यथा नहीं जानता, तो आचार्य आदिक तो अन्यथा कैसे जानेंगे। तो उसको तो आचार्य आदिक भी यथार्थ जानते हैं और श्रद्धानी जैनी ग्रस्त श्रावक भी यथार्थ जानता है। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है कि इसका कहीं पर भी विरोध नहीं आएगा, इन कथनों का तो किसी भी जैन शास्त्र में यदि हम लेंगे तो ये कथन तो एज इट इज ही आएंगे, जैसे हैं वैसे ही आएंगे, क्योंकि इनका कहीं पर भी विरोध नहीं है। ये कथन तो ऐसे कि ऐसे ही है, जैसा देव का स्वरूप है वैसा ही है, उसमें अन्यथापना नहीं है। अन्यथापना है फिर तो वो राग के पोषण वाले और लौकिक कारणों को बढ़ाने वाले ग्रंथ हो जाएगी, जैसे पहले आया था कि वो तो अन्य ग्रंथ होगा अन्य मतों के, वो तो जैन ग्रंथ ही नहीं है, कि जिसमें देव गुरु धर्म का स्वरूप अन्यथा आया हो, छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप अन्यथा आया हो, वो तो अन्य मत के ग्रंथ हो गए, वो तो जैन मत के ग्रंथ ही नहीं रहे। तो इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी, देखो अब वो लाइन आ रही है कि जिन क्या इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे जो देव गुरु धर्मादिक हैं, जीव अजीव आदिक हैं, तत्व हैं, उनको श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं, ऐसा जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा होता है, कि यदि वो इनको अन्यथा जानेगा तो उसका बुरा होगा जीव का, कि यदि वो देव गुरु धर्म के स्वरूप को अन्यथा जानेगा, कि अरिहंत देव भी पूजनीय है, क्षेत्रपा पद्मावती भी पूजनीय है, यदि वो ऐसा मानेगा तो उसका बुरा ही होना है, क्योंकि फिर तो वो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, उसका तो संसार बढ़ेगा ही। तो जो ऐसी बातें हैं जिनको जानने से जीव का बुरा होता है अन्यथा जानने से, ऐसी बातों को तो जो श्रद्धानी जैनी ग्रस्त श्रावक है, चतुर्थ गुणस्थान बढ़ती है, वो भी अन्यथा नहीं जानता, वो भी उनको यथार्थ जानता है, तो उन पदों का अर्थ आचार्य आदि को भी अन्यथा भाषित नहीं हो सकता। चाहे छवसम ज्ञान है, लेकिन छवसम ज्ञान में भी उनको वो यदि पद अन्यथा भाषित हो गया तो फिर समय दर्शन ही नहीं रहा, है ना। तो इनका अर्थ अन्यथा भाषित नहीं होगा, जो ऊपर लिखा ना कि अन्यथा भाषित हो जाता है, तो उनका वो बस नहीं है, वो कौन से पद है वो आगे आएगा अभी, लेकिन पंडित जी बता रहे हैं कि इन पदों का अन्यथा भाषित नहीं हो सकता, क्योंकि इनका यदि पद अन्यथा भाषित हो गया तो जीव का बुरा ही होगा, फिर तो जीव के मिथ्यात्व का पोषण होगा। इसलिए देव गुरु धर्मादिक, जीव अजीव आदि तत्व, छह द्रव्य आदि, उनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है, मीन्स वो तो यथा तथा हर जगह मिलेंगे। आप किसी भी जैन शास्त्र को उठाएंगे तो वहाँ सच्चे देव का स्वरूप, सच्चे धर्म का स्वरूप, सच्चे शास्त्र का स्वरूप, जीव वास्तव में जीव क्या है, अजीव क्या है, द्रव्य क्या है, उनका स्वरूप यथार्थ हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, प्रसिद्ध कथन है, मीन्स हर जगह मिलेगा वो तो। तो उनका स्वरूप तो अन्यथा भाषित नहीं होता श्रद्धानी जैनी को। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी, जिन अज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। और यदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अन्यथा भी जाने, यदि उनको अन्यथा भी जाने तो भी हमारा बुरा नहीं होने वाला, है ना। यदि कुछ चीज़ें हमने अन्यथा जान ली
जैसे भी आगे आ रहा है गोमट सार के एग्जाम्पल से बताता हूँ। वही गोमट सार में कहा है सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवयनम तुसदहदि सदेहदि असब भावम अजान मानो गुरु नियोगा। कि जो सम्य दृष्टि जीव है वो उविठम उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है। कि सम्य दृष्टि जीव भी असत्य का भी श्रद्धान करे तो भी उसको सम्य दर्शन नहीं जाता। ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि तत्वासूत्र में तो आता है कि तत्वा श्रद्धान सम्य दर्शनम, कि तत्वों का यथा श्रद्धान का नाम सम्य दर्शन है। और यहाँ कह रहे हैं आचार्य नैमिषारण सिद्धांत चक्रवर्ती देव कि यदि सम्य दृष्टि जीव सत्य वचन का श्रद्धान करता है और यदि किसी वचन का असत्य भी श्रद्धान करता है तो भी उसका सम्य दर्शन बना रहता है। कैसे बना रहेगा? इसमें तो बोल रहे ना असत्य का श्रद्धान करे तो भी सम्य दर्शन है उसको, तो असत्य का श्रद्धान करे तो सम्य दर्शन कैसे हो जाएगा? लिखा ना सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, कौन? सम्य दृष्टि जीव। तो असत्य का श्रद्धान करेगा तो सम्य दर्शन कैसे रहेगा? तो कैसे रहेगा वही पूछ रहा हूँ मैं। तो असत्य का भी श्रद्धान कर रहा ना, लेकिन वो क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? वही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा मान लो उसको सत्य का श्रद्धान है कि सच्चे देव जो वितराग विज्ञान के धारी हैं वही सच्चे देव हैं, है ना। और वो यदि असत्य का श्रद्धान करे कि जो वितराग विज्ञान के धारी नहीं है वो भी देव हैं, तो सम्य दर्शन रहेगा कि उसने पहले कैसे रहेगा? इसका मीनिंग ये नहीं है। देखो एग्जाम्पल से देखो, मान लो किसी ग्रंथ में, या मान लो मैंने ये बताया आपको कि मैं गुणस्थान पढ़ा रहा हूँ मान लो आपको, और मैं गुणस्थान में बताया कि पहले गुणस्थान से जीव थोड़ी सी विशुद्धि भराएगा तो दूसरे गुणस्थान में जाएगा, फिर थोड़ी विशुद्धि भराएगा तो तीसरे में जाएगा, फिर और विशुद्धि भराएगा तो चौथे में जाएगा। ऐसा ही जाता, ऐसे ही जाता है? और मैंने ऐसा बताया और आपने ऐसा श्रद्धान कर लिया कि हाँ ऐसा ही होता है कि जीव पहले से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है, ऐसा आपने श्रद्धान कर लिया। वो श्रद्धान कैसा है? असत्य श्रद्धान है, है ना। इसमें यार अजान मान गुरु के योग से, कि स्वयं को ज्ञान नहीं है इतना, लेकिन गुरु के योग से, हमने किसी गुरु के योग से ऐसा जान लिया, असत्य का श्रद्धान कर लिया। लेकिन यह असत्य का श्रद्धान कैसा है? हमने जान लिया कि पहले से दूसरा गुणस्थान होता है, लेकिन उससे आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के अनुभव में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली उस ज्ञान से, है ना। लेकिन जो आपने कहा कि ये मैंने ऐसा जाना कि वितराग विज्ञान के धारी सच्चे देव हैं, और बाद में ऐसा श्रद्धान करूं कि वितराग विज्ञान के जो धारक नहीं हैं वो भी सच्चे देव हैं, तो वो तो फिर उसका तो श्रद्धान था वो पूरा श्रद्धा नहीं गया, वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया, उसको सम्य दृष्टि नहीं कहेंगे, है ना। कि देखो दो बातें हैं वो आगे आएंगे इसमें, प्रयोजनभूत बात और अप्रयोजनभूत बात। कि प्रयोजनभूत बात का यदि वो असत्य श्रद्धान करेगा तो फिर वो मिथ्या दृष्टि हो गया। जो है असत्य श्रद्धान की बात आ रही है, असत्य श्रद्धान की बात भी क्यों ले रहे हैं? कि आचार्य देव को यदि अन्यथा अर्थ भाषित होगा तो अप्रयोजनभूत बात का हो सकता है, प्रयोजनभूत बात का अर्थ उनको अन्यथा भाषित नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जो भी कथन है, जैसे ना हम, हाँ भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं दीप की बात कर रहे हैं, अब मैंने आपको बताया कि दो विदेह क्षेत्र के बीच तीर्थंकर होते हैं, उस जम्बू द्वीप में 20 विदेह क्षेत्र हैं उनमें होते हैं। सपोज करो मैंने ऐसा बता दिया आपको कि विदेह क्षेत्र जम्बू द्वीप में विदेह क्षेत्र है, तो जम्बू द्वीप में जो विदेह क्षेत्र है उसमें ही विश्व तीर्थंकर रहते हैं। यदि मैंने ऐसा बताया और आपने श्रद्धान कर भी लिया तो उससे आपके आत्मा के ज्ञान को, श्रद्धान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धान तो असत्य है, विदेह क्षेत्र बीच तीर्थंकर कहाँ रहते हैं बताओ जरा। मैंने बताया था आपको पहले मंगलाचरण में बताया था, विदेह क्षेत्र के बीच तीर्थंकर जो हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, 20 विदेह क्षेत्र कहाँ पर हैं, बताया था मैंने आपको। जब तीर्थंकर को नमस्कार किया उसके बाद पंडित जी ने अलग से 20
विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों को नमस्कार किया अलग से किया ना, आगे आए थे ना 24 तीर्थों के नाम आए थे, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के नाम आए थे, उनको अलग से नमस्कार किया। वहाँ पर आया था कि विद्यमान काल में उनकी विशेषता जान के, तो मामे ने बताया था कि विदेह क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, बीस तीर्थंकर कहाँ पाए जाते, जम्बूद्वीप में पाए जाते हैं बीसों विदेह क्षेत्र, बीसों तीर्थंकर जम्बूद्वीप में जो विदेह क्षेत्र है उसमें भी तीर्थंकर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, भरत क्षेत्र के रायद्वीप में, विदेह क्षेत्र जम्बूद्वीप में है कि नहीं है ये बताओ, जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र है कि नहीं है, हाँ विदेह क्षेत्र है कि नहीं है, जम्बूद्वीप में विदेह क्षेत्र नहीं है, हाँ है कि नहीं है विदेह क्षेत्र, कौन सा मेरु पड़ता है उनके बीच में, सुमेरु पर्वत पड़ता है ना बीचों बीच में, वहाँ विदेह क्षेत्र है, तो विश्व तीर्थंकर वहीं पाए जाते हैं, हाँ विदेश क्षेत्र के भी तीर्थंकर हैं, जम्बूद्वीप में पाए जाते हैं, याद रखा करो इतना, तो एग्जाम में भी आ सकता है ठीक है, तो याद रखा करो। देखो मैंने बताया था ढाई द्वीप है ना, ढाई द्वीप के नाम पता है, जम्बूद्वीप, गातकीखंड द्वीप और पुष्कर का आधा द्वीप, पुष्करार्ध द्वीप है ना, तो प्रत्येक जीव का परिमाण दुगना दुगना है, तो जम्बूद्वीप में जितना उसका दुगना गातकीखंड का है उसका दुगना पुष्करार्ध का है, तो चार तीर्थंकर जम्बूद्वीप में पाए जाते हैं, जम्बूद्वीप के विजय क्षेत्र में चार तीर्थंकर, उसके बाद आठ तीर्थंकर गातकीखंड द्वीप के विजय क्षेत्र में, कितने हो गए 12, अब अगले द्वीप में कितने पाए जाएंगे, 8 के 16, तो कितने हो गए, ज्यादा हो गए तो 28 हो गए, आपने पुष्कर द्वीप आधा है तो 16 के 8 ही काउंट होंगे, तो दो आधा द्वीप है उसमें 8 ही पाए जाएंगे उसमें भी, तो 4 जम्बूद्वीप में, 8 गातकीखंड में और 8 पुष्करार्ध में, इस तरह से भी तीर्थंकर पाए जाते हैं ना, हाँ है ना, तो एक एक मेरु के उसके लगा लो, जैसे सुमेरु पर्वत के विजय क्षेत्र इसमें आ गए 4 तीर्थंकर, फिर 2 मेरु अगले द्वीप में गातकीखंड में, तो एक मेरु के पास ऐसा याद रखने के लिए बोल सकते हैं हम कि एक मेरु में 4 तीर्थंकर पाए जा रहे हैं, जैसे सुमेरु पर्वत जहाँ पाया जा रहा है वहाँ 4 तीर्थंकर, फिर अगले में 2 मेरु पाए जा रहे हैं तो वहाँ पर 8 तीर्थंकर हो गए है ना, और उसका आधा अगले वाला जो द्वीप है वो आधा द्वीप है तो उसमें 16 की जगह 8 ही पाए जाएंगे, तो 8 और 8 16 और 4 20 ऐसे है ना, मैंने ये आपको ऐसा बताया कि जम्बूद्वीप में ही पाए जाते हैं और आपने ऐसा मान लिया, तो श्रद्धांत तो असत्य है, वो श्रद्धांत तो सत्य नहीं है, लेकिन उससे अपने सम्यक दर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सम्यक दर्शन यथावत रहेगा है ना, तो इसलिए वहाँ आचार्य देव ने गोमठसार में भी ये लिखा कि उपदेशी सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। और वहीं पर देखो ये 27वीं गाथा है, वहीं जीव कांड की 28वीं गाथा में आचार्य देव ने ये भी बताया कि मान लो किसी ने असत्य श्रद्धान कर लिया है ना, जो अप्रयोजनभूत बात है उसका असत्य श्रद्धान भी कर लिया, लेकिन फिर कोई ज्ञानी जीव बताए कि ये ऐसा नहीं है, जो अप्रयोजनभूत बात का भी हमने श्रद्धान किया असत्य श्रद्धान, वो भी कोई ज्ञानी बताए कि ऐसा नहीं है, है ना, और यदि हम ऐसा नहीं माने कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली सम्यक दर्शन में, हम तो ऐसा ही मानेंगे, तो फिर वो जीव मिथ्यादृष्टि हो जाएगा, अप्रयोजनभूत बात के भी असत्य श्रद्धान से वो जीव मिथ्यादृष्टि हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो इसे ऊपर एक बात आई थी अभी, जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन अज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, कि उसने ऐसा माना कि जिनेन देव की ऐसी अज्ञा है, अप्रयोजनभूत बात को गुरु के योग से उसने असत्य जान लिया, लेकिन उसने ऐसा माना कि जिनेन देव की ऐसी अज्ञा है, जिनेन देव ने कहा है वो सही होगा है ना, जिनेन देव की अज्ञा मान के हमने ऐसा मान लिया कि जिनेन देव ने कहा है तो सही होगा, हमने ऐसा मान लिया, लेकिन अब हमें कोई ज्ञानी जीव ऐसा बता रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये ऐसा नहीं है, तो भी हम नहीं माने यदि, तो फिर जिन अज्ञा भंग हो जाएगी, वहाँ पर भी जिन अज्ञा भंग हो गए, क्योंकि कोई बता रहा है ज्ञानी कि जिनेन देव की अज्ञा ऐसी नहीं है, जिनेन देव में जो जिस बात को तुम असत्य मान रहे हो वो बात ऐसी नहीं है, वो बात वास्तव में ऐसी है और हम नहीं माने, तो जिनेन देव की अज्ञा भंग करने से वो मिथ्यादृष्टि हो जाएगा, ऐसा 28वीं गाथा में आया है, इसमें गोमठ साहब की जीवकांड के 28वीं गाथा में बताया है फिर आगे।
तो यहाँ पर पंडित जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि किसी आचार्य देव को अन्यथा अर्थ भाषित भी हो तो अप्रयोजन भूत बात का ही होगा, प्रयोजन भूत बात का नहीं होगा। पहली बात तो यदि ऐसा कोई असत्यात् पद मिल भी जाए तो भी बहुत बड़ा दोष नहीं है, तो भी सम्यक दर्शन आदि में कोई दोष नहीं है उससे। तो पुनश्च अब देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं आगे, हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। कि पंडित जी क्या कह रहे हैं, हमको कोई विशेष ज्ञान नहीं है। कि उन्होंने देखो पहले उन्होंने बताया था कि उनका अभ्यास कितने ग्रंथों का है, बताया था ना कितने ग्रंथों का अभ्यास आया था, अभी अपनी बात में आया था पिछले पेज पे ही है, कितने ग्रंथों का आया था लगभग, मैं काउंटिंग नहीं पूछ रहा हूँ पूरी, वह बहुत सारे ग्रंथ थे है ना। तो उनका छोपसम इतना ज़्यादा होने पर भी क्या कह रहे हैं पंडित जी कि हमको कोई विशेष ज्ञान नहीं है। कि मीन्स इतना छोपसम होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमको विशेष ज्ञान नहीं है। और एक हमको यदि एक छोटी सी बुक का भी ज्ञान हो जाए तो हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं हम कहाँ पर हैं। ऐसे वो आता है ना कहावत क्या आती है कि बाजार गली बाजार मैं चौड़ा गली सकरी, कि ऐसा माने लग जाते हैं हम कि किसी छोटी की बुक का भी ज्ञान हो जाए। और पंडित जी को इतना सक्षम होने के बाद भी इतने महान महान ग्रंथों की टीका और ऐसी मौलिक रचना करने के बाद भी पंडित जी कह रहे हैं कि हमको विशेष ज्ञान नहीं है, तो उनकी कितनी निर्माणता है उनके अंदर, है ना। तो उससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हम भी छोटे थोड़े से ज्ञान के लिए क्यों भी मतलब मान करते हैं, है ना। यदि हम छवसम ज्ञान को भी देखें ना, छवसम ज्ञान कितना है, तो छवसम ज्ञान का तो उत्कृष्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल, उसके सामने हमारा तो 0.00000001 भी नहीं है, इतना सा ज्ञान है हमारा। लेकिन हम उसी ज्ञान का भी मान करने लग जाते हैं। और पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि हमको विशेष ज्ञान नहीं है, इतनी निर्माणता प्रकट कर रहे हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं कि हमको विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा को भंग करने का बहुत भय है, कि किसी भी तरह से जिन आज्ञा का भंग ना हो जाए हमसे, और इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं। कि जो जितना ज्ञान है, पंडित जी ने लिखा ना पहले कि हमको इन ग्रंथों का अभ्यास बढ़ता है, और इन ग्रंथों के अभ्यास से थोड़े से सत्यार्थ पदों का सत्यार्थ अर्थ मुझको भाषित हुआ है, उसके बल पर धर्मानुराग वश मैं इन ग्रंथों की रचना करता हूँ। तो यहीं पर वही कह रहे हैं कि हमको विशेष ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जिनेन देव की आज्ञा भंग ना हो जाए इसका मुझे बहुत भय है, और इसी विचार से धर्मानुराग वश मैं ये ग्रंथ करने का साहस करता हूँ। इसीलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, क्योंकि जिनेन देव की आज्ञा भंग नहीं करनी है हमें, बहुत भय है उसका। तो जैसा आगम परंपरा में चला आ रहा है वैसा ही वर्णन हम इस ग्रंथ में करेंगे, अन्यथा वर्णन नहीं करेंगे। अथवा कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन था उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। कि किसी ग्रंथ में यदि सामान्य वर्णन है, थोड़ा सा वर्णन है, तो उसका और खुलासा करके विशेष वर्णन करेंगे, लेकिन जिनेन देव की आज्ञा भंग ना हो जाए इसको ध्यान में रख के करेंगे। और जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे पदों का सत्यार्थ अर्थ भाषित हुआ है, उतनी ही करूँगा, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। सो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूँगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। कि पंडित जी कह रहे हैं कि जो कितनी निर्माणता के साथ वो बात कह रहे हैं कि मुझे विशेष ज्ञान नहीं है, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, उसको ध्यान में रखकर मैं ग्रंथ रचने का साहस कर रहा हूँ, और जैसा वर्णन पूर्व ग्रंथों में वैसा वर्णन करूँगा, थोड़ा विशेष खोल के करूँगा, लेकिन ऐसा वर्णन करने बहुत सावधानी रखूँगा कि असत्यात् पदों की रचना ना हो पाए, जिन आज्ञा भंग ना हो पाए। लेकिन ऐसी सावधानी रखने पर भी कहीं किसी सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा भाषित हो जाए तो जो विशेष बुद्धिमान हो वे उसको संवार कर शुद्ध करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का पंडित जी ने निश्चय किया। इस प्रकार उन्होंने ग्रंथ की प्रामाणिकता सिद्ध की कि इस ग्रंथ में भी असत्या पदों की रचना नहीं होगी, जैसे पूर्व ग्रंथों में सत्याद पदों के प्रकाशक पद लिखे जा रहे हैं
वैसे ही सत्यात पदों के प्रकाशक पद इसमें लिखे जाएंगे। अब पंडित जी आगे बताएंगे कि कौन से शास्त्र बांचने योग्य हैं, कौन से शास्त्र सुनने योग्य हैं, और किसके द्वारा सुनने योग्य हैं, और कौन सुनने योग्य है ना, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बांचने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप, इसको हम आगे लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ लें। यहाँ तक आज तक का विषय एग्जाम में आएगा, हाँ अब तक यहाँ तक का जो विषय है वो आएगा एग्जाम में। इसका रिवीजन करना है? नहीं, जो एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले करूँगा मैं रिवीजन। नहीं, क्लास तो मुझे पता नहीं होगी कि नहीं, पता करके बताऊँगा।